नमस्कार, एमपी न्यूज़ कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिनभर की कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश और बिहार में जीत पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर फोड़े पटाखे। टीकमगढ़ पूरे मध्य प्रदेश में खुशी की लहर। आज मध्य प्रदेश उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में ऐतिहासिक जीत पर भारतीय जनता पार्टी टीकमगढ़ द्वारा जिलाध्यक्ष अमित नुनाजी के नेतृत्व में स्थानीय गांधी चौराहे पर सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाया गया। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी, साथ ही जिंदाबाद के नारे लगाते हुए जोरदार आतिशबाजी भी की। जिलाध्यक्ष अमित नुनाजी ने कहा कि ये सत्य की जीत है, विकास की जीत है, जनता की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता की मेहनत का परिणाम है। साथ ही उन्होंने बिहार में भाजपा की बढ़त पर भी पुनः एनडीए की सरकार बनने हेतु अग्रिम शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, विधायक राकेश गिरी, विवेक चतुर्वेदी जी, कौशल किशोर भट्ट, गणेशी लाल नायक, अभिषेक खरे, मनोज देवलिया, जिनेन्द्र गुवारा, अनुराग वर्मा, वीरेंद्र सिंह, गोविंद बिहारी अग्रवाल, गोपाल राय, ब्रजकिशोर तिवारी, मुन्नालाल साहू, प्रतेंद्र सिंह, जीतू सेन, प्रफुल्ल द्विवेदी, अनीश खान, विजय पटेरिया, सुनील होंडा, उस्ताद ठगन, श्याम यादव, बालकिशन विश्वकर्मा, रोहित बैसाखिया, जन्मेजय तिवारी, शिवम रिछारिया, बलवीर जोशी, सुनील यादव, भज्जू लोधी, आशीष तिवारी, अरविंद श्रीवास्तव, सुनीता अमिताभ जैन, अश्विनी चढ़ार, कमलेश अहिरवार, सोब्रन कुशवाहा, आशीष कुशवाहा, नितिन चरैया, रानू तिवारी, शैलेंद्र अवस्थी, रोहित खट्टीक, राघवेंद्र बुंदेला, पूरन लाल राजपूत, पुष्पेंद्र सिंह गौर, विनय प्रताप सिंह, श्रीमती पूनम अग्रवाल, आनंद सिंह गौर, मोनू दीक्षित, सरफराज अहमद, मुख्तार अहमद, ज्ञानेंद्र सिंह, अंश मिश्रा, कल्याण सिंह, अंशुल सेन, टोनी जैन आदि लोग उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुरेश प्रभाकर की रिपोर्ट। को बंद किया, जिसका परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया और छह महीने की शिवराज सरकार, जिसने सुशासन का काम किया, फ्री अनाज ऐसी लॉकडाउन जैसे में देने का काम किया, हाट वाले, ठेला वाले, फेरी वाले, हम्माल वाले, मजदूरी कार्ड वाले, जिनके खातों में 3 बार 2-2 हज़ार डालने का काम शिवराज सरकार ने किया, ऐसी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार में बंद हो गई थी उन्हें शिवराज सरकार ने चालू किया। और मोदी जी जहाँ 6,000 रुपये किसानों को देते किसान सम्मान निधि, उसे बढ़ाकर 10,000 रुपया किया, जब सरकार का खजाना खाली था। तो जनता ने तय किया कि हमें सुशासन या कुशासन, उन्हें सुशासन को स्वीकार किया और आज शिवराज की लोकप्रियता कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है कि आज मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक मतों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जनता की मदद है कि आपके जो कार्यकर्ताओं की मेहनत, जनता और कार्यकर्ता, जनता ने वोट दिया है और कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है, जनता के आशीर्वाद से ही। संदेशा क्या देना चाहिए? मैं उन कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिनके दम पे आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। और मैं शिवराज सरकार में भी एक सदस्य के रूप में हूँ। मेरी सरकार कोरोना काल में भी विकास का जैसी गंगा बहाई है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक लाभ पहुंचाया है। अब और निरंतरता से मध्य प्रदेश के विकास की जो गति रुकी थी 15 महीने से, वो और तेजी के साथ चलेगी। नाम क्या है? विवेक चतुर्वेदी। देखो जी, इसके बारे में बताएं सर, कैसे जीत? ये भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति की जीत है, सुशासन की जीत है। और जो 15 महीने की कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार थी, जिसने किसानों के साथ धोखा किया, युवाओं के साथ धोखा किया और इस प्रदेश की पूरी जनता के साथ धोखा किया, उस कांग्रेस के दुशासन की हार है और भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की जीत है। कैसा लग रहा है आज आप लोग? ये पूरी जनता, प्रदेश की पूरी 7 करोड़ जनता इस पूरी जीत के कारण प्रसन्न है और आशान्वित है कि अब फिर से भारतीय जनता पार्टी के शासन में, शिवराज जी की सरकार में एक नई योजनाएं चालू होंगी और पुरानी योजनाएं जो कांग्रेस की सरकार ने बंद कर दी थी, जिनसे गरीबों को सहारा मिलता था, वे योजनाएं फिर से चालू होंगी, ऐसी पूरी विश्वास की लहर पूरे मध्य प्रदेश की जनता के बीच में फैली। जनता को क्या धन्यवाद? जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देकर अपना विश्वास मत व्यक्त किया है, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश की जनता
सामान्य तौर से इस जीत के लिए बधाई की पात्र है, उसके ही जनता जनार्दन है, उसके ही कारण यह जीत हुई है। और भारतीय जनता पार्टी तो सदैव यह कहती है कि दरिद्र नारायण की सेवा, अंतिम व्यक्ति की सेवा करना उसका कर्म है, उसका धर्म है।